ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, यस यस, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 10, फुल पावर गाइस। पता है आज हमारे साथ कौन है? मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट दमन, द मैन, सुपरमैन। मतलब इनके जो कैरेक्टर्स गिनाऊं, मैं क्या गिनाऊं मेरे भाई लोग यार। ये लियोनार्डो डी कैप्रियो इंसेप्शन से, जिम कैरी, यार जिम कैरी जैसा टफ कैरेक्टर और कौन सा हो सकता है भाई लोग। तो आज ये सिंगर है, म्यूजिशियन है, मतलब क्या बताऊं। तो इनके साथ आज धमाल करने वाला हूं। स्क्रिप्ट भी आज की बहुत ही जबरदस्त है, तो ज्यादा इंतजार नहीं करते भाई लोग। ये जो गर्मी है, इस गर्मी को और नहीं बढ़ाते, आओ शुरू करते हैं, ठीक है? तो जुड़ते हैं जल्दी से दमन भाई के साथ। Yo, what's up? Full power, dude. Full power. क्या rockstar लग रहा है भाई, खड़ा कर। भाई तुम जिस एनर्जी से आए हो ना, मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं शुरू कहाँ से करूँ, ये लड़के को पकड़ू कहाँ से। Because you are so full of energy, मेरे भाई, you are amazing. Let me congratulate you, भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। मैं पहली बार ये आपका शो देख रहा हूँ और मतलब looking good. हम दोनों एकदम लंबे लंबे बालों के साथ भाई भाई हैं। बट भाई मैं वही बोल रहा था, मैं डिंपल से, कि हम दोनों आज लंबे बाल वाले हैं, दोनों रॉकस्टार। या बोलो भाई, बोलो भाई। चलो ऐसा करते हैं, आप ना कुछ बीट बॉक्स करो, क्योंकि पता क्या है, आपने डाला है काला और मैंने डाला है पीला, तो मुझे एक अच्छा सॉन्ग याद आ गया है भाई, उसकी सिर्फ दो लाइन करते हैं, ठीक है? आप कुछ भी बीट बॉक्स करो, चलो। Hey, you know what it is? Black and yellow. You know what it is? Black and yellow. थोड़ा गाना बदल दिया मैंने, लेकिन मैं आपके सिर्फ बीटबॉक्स करते हुए सुनना चाहता था भाई, सुपर। वाह, क्या बात। लव यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। जो भी यहाँ देख रहे हैं उन सब की तरफ से और मेरी तरफ से दमन भाई का फुल पावर स्वागत है। ले लूट वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड 9 में पूरी तरह से दिल से फुल एनर्जी के साथ स्वागत है दमन भाई। बहुत नर्वस हो जाता हूँ भाई जब ऐसे सेशंस में आता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, कैसे करूं, लाइक थोड़ा सा फिर से आना पड़ेगा इन सब चीजों के अंदर। अरे दमन भाई, ये पूरा अपना फैमिली है, परिवार है, सब दोस्त है भाई लोग, कोई फंबल वंबल कोई टेंशन नहीं, लाइव कर रहे हैं, सबको मालूम है। ले लूट एकदम, ले लूट। दिक्कत मैं करता भी हूँ फंबल वंबल की, मुझे बस ये दिक्कत होती है कि मैं अच्छा लाइव हुए तो इंस्टाग्राम खेलना नहीं आता मुझे, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो, देखूं किधर भाई, मतलब मैं कहां देख के बोलूं, मैं राजू को देखूं, अपने आप को देखूं, कैमरा में देखूं। ओके भाई, जहां भी देखो पब्लिक, आपके भाई लोग, आपके चाहने वाले, वो आपको देख रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए लिख रहे हैं भाई लोग, सब लिख रहे हैं, लव योर वॉइस, सुपर सुपर सुपर। तो दमन भाई, ये जो है, देखिए आपके लिए लिख रहे हैं लोग, कुंग फू हसल वाला दमन भाई, और काफी दमन भाई, कुंग फू दमन और भाई भाई, मतलब टैलेंट भरमार भरमार बोले तो। चलो एनीवे, हम एक दूसरे की करते रहेंगे, आगे बढ़ते। यस यस, तो दमन दमन जी, मैं आपके ये आप इस बात से आपको परिचित करना चाहता हूँ, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी से। यू नो वेरी वेल कि बहुत सारे एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो फैन डब करते हैं, प्रोमो सीन डब करते हैं ना, लेकिन उसके पहले एक चीज आती है, वो है वॉइस एक्टिंग। वॉइस एक्टर, स्क्रिप्ट और माइक, नो डाउट टीम होती है, जो क्रिएटिव टीम या डायरेक्टर जो आपको गाइड करते हैं, लेकिन कोई वीडियो नहीं होता जिसको हमें फॉलो करना है, सिंक विंक कुछ नहीं। तो ये काइंड ऑफ ड्रामा, तो ड्रामा अगर राजू भाई कैमरा ऊपर ले लो, बोल रहे हैं ये भाई अब सही है, ठीक है, ठीक है भाई। तो वॉइस एक्टिंग जो है वो लिप सिंक के पहले, यानी कि डबिंग के पहले आती है, टेक्निकल चीजें हैं वो सब बाद में है, पहले ये है, ठीक है। तो वॉइस एक्टिंग यानी कि ड्रामा है, रेडियो ड्रामा काइंड ऑफ, ये चीज वो कितनी जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट, मतलब कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके शब्दों से बताइए। जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो आना चाहते हैं वॉइसिंग की फील्ड में, पहली बात तो उनसे मैं ये कह दूं कि
वॉइसिंग की फील्ड बहुत ही वास्ट है, उसमें सिर्फ डबिंग नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम एक चीज आज नमूना देंगे, तो पहले तो सबसे पहले थोड़ा थिएटर सीख के आइए, थोड़ा सा एक्टिंग के बारे में जानिए, बिकॉज राजू यू आर एन एक्टर, यू आर अ सिंगर, यू आर अ वॉइस एक्टर, तो आपको पता है तीनों पहलू क्या है, मुझे पता है। बट कुछ लोगों को लगता है कि वॉइसिंग सिर्फ आवाज हो गई, सिंग करना आ गया तो मैं कर सकता हूँ ये, बट देयर सो मच बिहाइंड दैट गोज। जब आप मतलब माइक के सामने आते हैं तो बहुत अलग चीज होती है। यू हैव टू बी एज एन एक्टर, यू हैव टू इमोट, यू हैव टू गिव दोज एक्सप्रेशंस, तभी वो आवाज के थ्रू जेन्युइनली आएंगे। अदरवाइज डबिंग तो हो ही रही है, आपको पता ही है, मैं बहुत मोटा मेरी बीवी मुझे रोज सुनाती रहती थी, लेकिन उस सुनने से मैं और मोटा होता गया। फिर मेरी सास भी मुझे टोकने लगी, लेकिन सास के टोकने से मैं पतला हो गया। तो मैं आज भी अपनी सास को हाथ जोड़ के शुक्रिया कहता हूँ, थैंक यू सास जी। फुल पावर। तो भाई लोग, मैं पहले क्लियर कर लूं कि दमन सर, दमन द ग्रेट हमारे साथ हैं, सुपर वॉइस एक्टर, मैं उनका फैन हूँ, बकायदा मैं फैन हूँ दमन भाई। कई लोगों से मैंने कहा होगा कि मैं, जिनको ऐसे तो बहुत सारे वॉइस एक्टर्स हैं, लेकिन जिनको मैं सुनकर कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, या सुनना पसंद करता हूँ, या वहां से कुछ ना कुछ उठा लेता हूँ। एज एन एक्टर रोज सीखना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो वो है, दो नाम तो बेशक है, दो तीन नाम जो है, दमन है, समय ठक्कर है, विराज है ना, ये क्या चार, बात, निनाद भाई है, ये चार नाम तो हमेशा आते हैं। और मैंने कई लोगों को बोला है दमन, थैंक यू और सो भाई मच, वो पिक्चर में, थैंक आज भाई मैं पिक्चर वो वाली, बहुत सारे सब में कमाल काम किया है, लेकिन वो सूर्या कितना फास्ट बोला है भाई सिंघम में, और कितना फास्ट, एक एक शब्द क्लियर दिए भाई आपने। कोई भी जो भी यहाँ देख रहे हैं, सबको मैं बता दूं भाई लोग कि वो पिक्चर देखो, एक एक शब्द मोती के दाने की तरह फक 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 निकल रहे हैं, है ना। तो कमाल है वो भाई, भाई बहुत बहुत जबरदस्त। और थैंक कई लोग यू। लिख रहे हैं द्वारका, आपकी नई जो आने वाली फिल्म है उसके लिए लिख रहे हैं, तो फुल पावर मेरे भाई। ओके, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, जो भी यहाँ सुन रहे हैं उन सबको एक बार थम्स अप बता दो मुझे कि मेरी और दमन सर की आवाज ठीक ठीक आ रही है, थम्स अप दिखा दो तो हम आगे बढ़े। हाँ तो ये यस यस, मैं हूँ सूर्य, आ गया थम्स कमेंट्स अप। आना, अच्छा हाँ अब चालू हो जाएंगे। अरे यार आ रहे हैं क्यों द कैट की आवाज, एक बार कैट की आवाज बाद में करेंगे थम्स अप। मैंने लाइव सुना है दमन भाई को, आपकी थम्स अप, थम्स अप आ गया भाई लोग, भाई लोग फुल पावर, फुल पावर ले लूट। चलिए, तो आज का जो सीन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, मैं आप सबको बता दूं। एक जो मेन हीरो है वो है रवि, वो प्ले कर रहे हैं दमन सर, और मैं बाकी जो आसपास कैरेक्टर्स हैं उन्तरू फुंतरू सब मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अलग 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 आवाज दूं सारे कैरेक्टर्स को। और दमन जी यस भाई, ठीक शुरू करते हैं, मैंने है हाथ में स्क्रिप्ट ले ली है, आप रेडी? जी। ठीक है। तो भाई लोग, सबके अपने अपने घर में लाइट है, अपने अपने फोन के कैमराज हैं, और अदाकार तैयार है, एक्शन। स्टोरी ये का नाम है नियत। अबे इधर लाना, अरे जास्ती नखरा मत दिखा वरना चीर डालूंगा। टाइको अपनी जिंदगी की वाट लगा रहा है 500 की घड़ी के लिए, ये झिंगूर तेरा बाप तेरे को दिलाएगा ना नई, हाँ नवी नवी मस्त पड़ी का पैक, इसको बेच के अपना आज का रोटी दारू का जुगाड़ हो जाएगा भाई। अपन कुछ गलत बोला क्या, ये भी खूब बोलना है इसको, नहीं तूने अखा जिंदगी में गलत नहीं बोला भाई, तो आप क्या बोलेगा भाई। ए भीखू बिरजू, तुम दोनों हाँ कारपेंट्री का काम छोड़ के लूटपाट शुरू कर दिएगा तुमने। अरे रवि तू इधर, रवि इधर, रवि तू तो जानता है ना काम में कोई फायदा नहीं है, अब इसके बारे में तू किसी को कुछ बोलना मत कि हम लोग ये कर ले ले। और तू ए उधर क्या देख रहा है, तेरे को लूट लिया ना है, तेरा खिस्सा खाली हो गया ना, तो चल वरना रुको निकलना, रुको उस रुको लड़के रुको को क्या देख रुको रहा है रुको, तुम क्या डरो मत, क्या। ये दोनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो तुम दोनों इसकी घड़ी वापस करो। अरे यार हम गरीबों पे तरस खाना है यार, मेहनत से चोरी की है, तू पड़ोसी है ना, कुछ तो साथ दे यार इसमें चुप यार। चुप, तभी तो सही रास्ता बता रहा हूं।
और ये मुक्का इसलिए मारा क्योंकि हाथ में चाकू लेने से तुम मुझ पर कम तुम मुझे कमजोर नहीं बना सकते। ये ले दोस्त तेरी घड़ी। शुक्रिया अंकल। सुनो, लड़ने के लिए हथियार नहीं हौसले की जरूरत होती है। हौसले को अपना हथियार बनाओ, समझे तुम? और तुम दोनों भीखू बिरजू, गरीबी की ढाल बना के उसकी दुहाई मत दो। रोटी कमाने के लिए हथियार नहीं हाथ चाहिए। मेहनत करो, जुर्म नहीं। चलो। ये चल 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 बिरजू, निकल चल चल चल। नाइस वन। अरे मेरे, सीन कंटिन्यू होता है, लोकेशन चेंज। अरे मेरे रफी, आओ रफी। आहा हा, रफी आ गए, तुम आ जाओ आ जाओ। मैं रवि हूँ, रफी साहब नहीं। कहाँ आप मुझे उनसे तोल देते हैं, उनकी तो भूल भी नहीं हुआ। अरे छोड़ो बेटा, हमारा तो रफी तू ही है। चल मस्त गाना गा दे बेटा। अरे तब ये कार आके रुकती है भाई। बताओ क्या महफिल लगा रखी है बीच रास्ते में बेटा? जरा होश संभालो, यहाँ रास्ता खत्म हो गया है तो वापस चले जाओ, पीछे तो पीछे पीछे। अबे बूढ़े, ये जुबान लड़ाता है, वापस क्यों चला जाऊं? जानता है मैं कौन हूँ? ये मेरा बाप एमपी है इस इलाके का, तो हर जगह मेरी है, जहां तक नजर जा रही है सब मेरा है। पर बेटा समझो मेरी बात यहाँ। अबे हट, संभल के। हट। गरीब को लात कैसे मारी तूने? गरीब को तो किस्मत लात मारती है, गरीबी की लात मारती है और हालात लात मारते हैं। अब तू खा गरीब की लात। खराब इंसान से उसकी अक्ल और पहचान छीन लेती है। अरे छोड़ छोड़, अरे तेरे को पता नहीं है मेरा बाप। निकल यहां से, अगर तू नशे में नहीं होता ना तो बताता तुझे गरीबी की ताकत। और तभी वो गाड़ी वाला जो दारू पिया हुआ है अक्षय, वो कन निकालता है। ताकत तो अब मेरी देख, तेरी जिंदगी मिटा दूंगा। जिंदगी पेंसिल से खींची लकीर नहीं, जो हराम खोरी और झूठ झूठे रुपए की ताकत की एक लेते हैं वाला। जिंदगी पेंसिल से खींची लकीर नहीं, जो हराम खोरी और झूठे रुपए की ताकत की रबड़ से मिटा दी जाए। वन मोर भाई, वन मोर। जिंदगी पेंसिल से खींची लकीर नहीं, जो हराम खोरी और झूठे रुतबे की ताकत। मैं अटक गया भाई यहाँ पे, एक मिनट एक। जिंदगी पेंसिल से खींची लकीर नहीं, जो हराम खोरी और झूठे रुतबे की ताकत की रबड़ से मिटा दी जा सके। जिंदगी त्याग मेहनत और संस्कार, जिंदगी त्याग मेहनत और संस्कार से खींची गया, एक मिनट, खींचा गया मजबूत पेड़ है। जिंदगी त्याग मेहनत और संस्कार से खींचा गया मजबूत पेड़ है। चल निकल यहां से, तेरा गिरबान फाड़ दिया, झांक उसमें। शर्मिंदा है, अभी मरा है, थोड़ा जिंदा है। देख लूंगा तेरे को, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। भैया भैया भैया। अरे क्या हुआ चंदू? अरे अरे भैया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अच्छा कौन सी खुशखबरी लाया तू मेरे लिए? अरे आज के बाद आपको खुद चाय नहीं बनानी पड़ेगी, मतलब आपके लिए लोग चाय बनाएंगे। क्यों, तुम मुझे कोई करोड़ों रुपए तोहफे में दे रहा है? अरे नहीं भैया, ये देखो अखबार, ये देखो। अच्छा, ऑल इंडिया सिंगिंग टैलेंट शो जीतने वाले को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अबे चंदू, तुझे क्या लगता है मैं इनका सिंगिंग चैंपियन हूँ? अरे आप ही तो हैं हमारे किशोर दा और रफी। बेटा मेरे जैसे लाखों है इस देश में, और लाखों में से सैकड़ों बेहतरीन सीखे हुए, और मैं तो बस शौकिया सिंगर हूं यार। पर आपका गाने का शौक दुनिया को शौक कर देगा, सच में सबसे बढ़िया गाते हो। अरे आप चाय नहीं
जो खत्म हो जाए, आप चाय का स्वाद हो जो मन में उतर जाए, जुबान पे चढ़ जाए। एक बार जाके देखिए ना, हाँ क्या पता कल आप छा जाए। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा चल, तू बोलता तो देखे आता हूँ ऑडिशन, लेकिन तेरे लिए। हाँ हाँ, कट टू ऑडिशन हॉल। मैं यहाँ ऑडिशन देने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए, यहाँ लाइन में लगिए, ये रहा यहाँ आपका नंबर है। शुक्रिया। अबे पहले हम जाएंगे और हम गाएंगे, हट। ओ, पर लाइन में तो पहले हम हैं। अबे लाइन गई तेल लेने, हटना। अबे गलत कर रहा है तू, सही में फायदा भी तो नहीं होता, इसलिए गलत कर रहा हूँ बेटा। तेरी तो हट, और गलत में तेरा नुकसान होगा। चल दबा हो जाए यहां से, क्योंकि तू कलाकार हो ही नहीं सकता। आऊंगा और तेरा सब ले जाऊंगा, देख लेना तू। ऑडिशन हॉल। हाँ जी, रवि जी गाइए। जनाब मैं पहली बार ऑडिशन देने आया हूं, तो कोई गलती हो जाए तो आई एम सॉरी, पर कोशिश करता हूं। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे मगर बदनसीबी ना दे, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे, हुआ पैदा गरीब हूं ये किसकी खता, हुआ पैदा गरीब है ये किसकी खता, हमको दुनिया में तू लाया क्यों बता, क्यों है चुप कुछ तो बता, कुछ तो बता, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे, देने वाले। धन्यवाद जी, बहुत ही बेहतरीन गाया उम्दा, बहुत बढ़िया रवि जी, आपने बहुत ही शानदार गाया। अब आप भारत की जनता से अपील करें कि वो आपको विनर बनाए। मैं जनता से बस यही कहूंगा कि मैंने भूख देखी है, गरीबी देखी है, मैं ये इनाम के 5 करोड़ रुपए खुद नहीं रखूंगा, मैं इन पैसों से जितने गरीब हो, एक और बोले, मैं इन पैसों से जितने गरीबों की मदद कर सकता हूं करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा। मेरी गायकी अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे वोट दीजिए और मुझे जिताइए, बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। कट टू 1 घंटे के बाद। हाँ आइए सब लोग आइए, हमारे पास भारत की जनता के वोट आ चुके हैं और जनता के वोट के मुताबिक विनर है रवि। बधाई हो रवि, आप जीत चुके हैं 5 करोड़ रुपए और एक म्यूजिक एल्बम में गाने का मौका। बहुत बहुत मुबारकबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों का प्यार है, ये आप इसी का नतीजा है आपके प्यार का कि जो मैं। अरे चाचा अपने रवि भाई जीत गए। चंदू बस उसी का इंतजार है कि वो कब आए। कट्टू एक लंबी बड़ी कार बस्ती में आती है। अरे 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 लगता है कार में रवि भैया है, चलो चलो चलो। अरे भैया 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 कहाँ गए? रवि साहब ने आप सबको बुलाया है, आइए, उनको एक बंगला तोहफे में मिला है, आइए। चलो चलो, रवि भैया ने बुलाया है बंगले में, चलो। हाँ चंदू ये लाठी ले लूं। कट्टू बंगले में, रवि भैया कहाँ है? वो तो काम से चले गए, रात को आएंगे, आप वापस बस्ती चले जाइए। अरे रे अरे फालतू ही आया है, अच्छा है अपना रवि कामयाब तो बन गया।
हाँ चाचा चलिए चलिए। कुछ दिनों बाद चंदू रवि के ऑफिस के बाहर, मुझे रवि भैया से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं है। हाँ तो लेके आओ। पर मैं उन्हें जानता हूँ ना। अरे पूरी दुनिया जानती है उनको। है तभी एक गाड़ी आती है, सुलेमान चाचा सामने आ जाते हैं। कार में से रवि निकलता है और कहता है, अबे बुड्ढे दिखाई नहीं देना क्या? मेरी ही कार मिली थी तुझे मरने के लिए, चल निकल इधर से। रुक रुक, ये ले कुछ पैसे ले जा और आगे बढ़। अरे बेटा रवि, वाह भैया, बस बस कुछ मत कहिए, पैसे की चमक में अंधे हो गए आप भी। चलिए सुलेमान चाचा, भूल जाइए रवि को, चलते हैं हम। अरे एक मिनट चाचा, आप? अरे माफ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। ठीक है बेटा, मुझे पहचान नहीं पाए, पर मेरी जगह अगर कोई और होता तो क्या तुम उसे भी हैं? तुम बदल गए हो बेटा, अमीर हो गए हो ना हैं? अरे नहीं नहीं चाचा, काम मेरा इतना है कि क्या बताऊं। अच्छा चाचा देखिए, मैं बाद में मिलता हूँ, अभी मेरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है? अच्छा मिलते हैं, ओके। ठीक है, खुश रहे बेटा, खुश रहे। तभी अकरम आता है और अकरम चाकू निकालता है, खंजर, और रवि को पेट में घुसेड़ देता है। ये ले बेटा, गलत नुकसान। मुझे लाइन में से हटाया था ना ऑडिशन की, याद आया? सब लेके जाऊंगा, तेरे को कहा था ना, नाम सुन ले, दिमाग में बिठा ले, मेरा नाम है अकरम। रवि बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में आंखें खुली रवि की। बेटा बेटा आराम से, बेटा ठीक तो है तू? चाचा भैया भैया आराम से आराम से, जख्म गहरा है, थोड़ा वक्त लगेगा, आप लेटे रहिए। माफ कर देना मुझे, ग्लैमर की चकाचौंध में मुझे अपने लोग दिखाई नहीं दिए। चाचा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ए चंदू, मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ यार। अरे माफ तो खुदा करता है पगले, हम तो इंसान हैं, गलती करना तो फितरत है, नियत सही हो गई तो माफी मिल भी गई। चाचा माफ कर दीजिए मुझे। भैया भैया जल्दी से ठीक हो जाइए और चाचा के लिए मस्त गाना गाइएगा, ठीक है? जरूर गाऊंगा। फुल पावर भाई, फुल पावर ले लूं। क्या बात क्या बात दमन भाई, ये टफ स्क्रिप्ट थी एक तो, और अभी अभी शाम को आई है। आई नो रिहर्सल कुछ नहीं हुआ है, कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया है, और तहे दिल से माफी चाहता हूँ जो भी फंबल जो भी अटके हैं हम लोग उसके लिए, लेकिन पूरी कोशिश की। सबसे कुछ कहना चाहूंगा गाइस, आप लोग घर में बैठे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं, बाथरूम में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे नीचे बैठे, भाई एक बार जोरदार ताली राजू के लिए प्लीज भाई, प्लीज एवरीवन, come on, let me see it on the comments, everybody, come on, love symbols and claps, yo, come on, yo, super, super, Raju, awesome, bhai, bro, इन लोगों को बताना चाहूंगा कि जो दिखने में इतना आसान लगता है एक ही फ्लो में, अब तो चलो हम टेक्स अलग अलग करेंगे तो और प्यारे से बना सकते हैं इसे, लेकिन गले पे कितना स्ट्रेन पड़ता है भाई, आपके गले पे कितना स्ट्रेन पड़ा जब आपने अलग अलग वॉइस की, घोड़े की आवाज, छपरी लोग की आवाज, फिर you know kitne sari voices, so it puts a lot of strain on the throat and you give it in one take, bro, amazing bro, love you, love love you bro, aap samne the to puri urja thi mere sath, taakat bas, aur kya chahiye life mein, le lo full power, to ummeed karta hu sab log taaliyan baja rahe hain, pyar de rahe hain, pappiyan de rahe hain, to ummeed karta hu sabko pasand aaya ke aaya hoga, aisa hota hai life mein, yahi hota hai mere bhai log, phir bhi hum log atke nahi, humne jari rakha aur yahi hai voice acting। अभी फिलहाल ये वन टेक में जाने से हम बल, वो तो अगर गए तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं गए तो हम बताना ये चाहते हैं कि वॉइस एक्टिंग जरूरी है ना, तो वॉइस एक्टिंग पे हम फोकस कर रहे हैं, तो वही कोशिश थी कि आप लोगों के सामने पेश करें।
दमन सर, मैं भूल गया कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपके जो बहुत बेहतरीन जो हम फैंस को बता सकते हैं। यार छोड़ो यार, वो सब इनको पता चार है। पांच कैरेक्टर्स के बारे में बता दें, हम बता देते हैं। एक तो जिम कैरी, लियोनार्डो डी कैप्रियो वो इंसेप्शन से, और भी कोई, कौन सी, ब्लड, ब्लड डायमंड, हाँ ब्लड डायमंड, और भी बहुत जबरदस्त दो चार कैरेक्टर बताए थे इन्होंने। एक दो बता दो दमन भाई, दो तो बता दो, मैं भाई भूल। मेरे दिल के बहुत करीब है ये। अगर किसी ने फिल्म देखी हो, मुझे पता नहीं, मैंने मोना के लिए डब की थी, इट वाज कॉल्ड बारन, बहुत साल पहले की बात है। और इसको ये बहुत ही मजा आया मुझे। इट्स अफगानी फिल्म बारन, हाँ एंड हाँ वो अगर किसी ने देखी हो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे बहुत मजा आया था वो कैरेक्टर करने में। थैंक्स टू मोना फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट शी गेव मी, एंड साउंड एंड विजन इंडिया, रॉकिंग ब्रो। क्या बात है। और कुछ दो चार नाम आप ले रहे थे, मैं भूल गया सच ब्रा, ये पोकेमोन में म्याउथ किया है, में। आम फिर म्याउथ, हाँ जी, और एनीमे, ब्रैडली एनीमे, सॉरी मैं बीच कूपर, में रोक रहा हूँ। एनीमे फैंस, एनीमे फैंस जो भी है सुनिए, पोकेमोन के म्याउथ दमन सर, ओके, ब्रैड पिट, और भी बहुत सारे कैरेक्टर, तो फुल पावर के साथ तालियां हैं, और यो है दमन सर के लिए। बहुत मजा आया, और पूरी ऊर्जा के साथ उन्होंने किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आने के लिए, हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए दमन सर। और हम काफी प्रोजेक्ट साथ में करते रहते हैं, और हम वादा करते हैं जो भी यहाँ सुन रहे हैं उन सबको एंटरटेन करते रहेंगे। तो जी थैंक यू सो मच। वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 10, फुल पावर कर दिया दमन भाई ने। क्या बात, क्या बात, थैंक ओके गाइस, यू सो बाय, मच। सी यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और राजू, मैं एक सिर्फ उनको बता दूं कि वो स्प्रिहा द मैन एक नया हमने पेज शुरू किया है, यस यस यस, एक एक इट्स अलग अ चीज पेज है जो विद, दमन सर करते हैं। दमन सर म्यूजिशियन भी है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे प्लीज। तो जस्ट लाइक अभी मैं रिलीज करूंगा, फ्री वर्सेस भी रिलीज करूंगा, और लेकिन मैं अपने स्प्रिहा द मैन के पेज पे करूंगा। सो ऑल यू गाइस हु वांट टू फॉलो मी एज अ म्यूजिशियन, यू गाइस कैन कम टू स्प्रिहा द मैन, द फैन पेज, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, द पेज, इंस्टा पेज, तो आप उस पे आके यू कैन वॉच अस देयर। हम भी, राजू ने इंस्पायर किया है, वी वांट टू गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम, बट हमारा ज्यादातर म्यूजिक से रिलेटेड होगा। वी विल डू सम लाइव सेशंस फॉर यू गाइस, एंड आई बीन वर्किंग ऑन माई एल्बम इन द लॉकडाउन। कुछ ना कुछ करना है भाई, सो वो एल्बम भी रिलीज करनी है जल्दी, उसके वीडियोज मैं बाद में डालूंगा, लेकिन लाइव सेशन में आप लोगों को थोड़ा बहुत सुनाना शुरू कर दूंगा थ्रू माई इंस्टाग्राम पेज, स्प्रिहा द मैन। ऑलराइट गाइस, वाओ, आई एम गेटिंग ब्रेथलेस। फुल पावर मेरे भाई। यहाँ कुछ आप नमूना देना चाहते हैं या सीधा अपने चैनल पे लाइव आएंगे? हमारे पास समय है, आपकी वक्त है, कोई बात नहीं। मैं एक, ये बहुत ही एक लाइक इट्स अ वेरी प्रिमिटिव थिंग राइट नाउ, इसका एक बस एक आपको जेस्ट दूंगा। तो दिस इज अ सॉन्ग विच इज कॉल्ड, आई डोंट नो वेदर वॉल्यूम आएगी उतनी कि नहीं, बट एक आपको ये सुनाई दे रहा। कुछ कुछ साउंड आ रहा है, ये मेरा सॉन्ग है इंट्रो, इसका कुछ इंट्रो, दिस वन इज कॉल्ड इंट्रो यो, सो इट्स एन इंट्रोडक्शन टू माय एल्बम, द एल्बम नेम इज उनो, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग, इट्स कॉल्ड इंट्रो। सिर्फ बंदा नहीं, एक ए ए आएगा आएगा, यू गाइस कैन हियर इट राइट, द साउंड आ रहा है ना, मेरी वोकल तो वो पावर नहीं कर रही। Hey, 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 hey. सिर्फ बंदा नहीं, एक आतिश हूँ, नाम छोड़ क्या करेगा जान के, मैं आतिश हूँ, आतिश हूँ। पास बोल, डाउट बोल, क्लियर बोल, ये बोल वो बोल, ज्यादा सुनने का शौक है तो कानों की तो खिड़की खोल, ज्यादा जो नड़ेगा उसकी खोल देता सारी पोल। एक्टिंग बोल, सिंगिंग बोल, डांस बोल, म्यूजिक बोल, ये सब करके देख लिया मैंने, सब जी के देख लिया। ओके आई गेस इतना काफी मजा आ गया भाई, पूरा सुनने का दिल कर रहा है अभी तो। जल्दी मिलेंगे अपन, जल्दी मिलेंगे, कुप्चे में बैठ के सुनेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अपने खुद के लिरिक्स भूल जाता हूँ यार। हमें डबिंग करते करते स्क्रिप्ट पढ़ने की इतनी आदत हो गई है दमन भाई, स्क्रिप्ट पढ़ने की डबिंग करते करते इतनी आदत हो गई है ना, याद नहीं रहता।
इसलिए जो एक्टिंग के जमाने थे मैं याद करता हूँ कि थिएटर करता था मैं कितना कुछ याद, पूरे पूरे प्लेस थिएटर में हम लोग याद करते थे, याद रहता था सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो 5 लाइन ही याद नहीं रहती। एनीवे थैंक्स यार, थैंक्स फॉर दिस चांस एंड सही है भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस शो ऑफ योर्स, सुपर भाई, लाइक आई रियली लव्ड इट, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग ऑन दिस शो एंड थैंक यू सो मच ऑल यू गाइस हु आर वाचिंग अस। भाई फैन वैन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सपोर्ट होती है एक आर्टिस्ट को, जब आप एक आर्टिस्ट को लाइक करते हैं चाहे आप एक सिर्फ हार्ट भेज दें या हेलो लिख दें तो वो अच्छा लगता है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, डू नॉट क्रॉस अ बाउंड्री ऑफ एन आर्टिस्ट, जहां पे कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा यू नो प्राइवेट हो जाते हैं, दे आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड, यू नो आप लेट्स बी यू नो लेट्स हैव अ एंटरटेनर एंड आर्टिस्ट रिलेशनशिप व्हिच इज वेरी गुड, यू नो क्योंकि यू अंडरस्टैंड राजू व्हाट आई एम सेइंग। यस यस यस, नहीं यही जो कलाकार और जो आप बहुत ही अच्छे प्रेक्षक हैं, बहुत ही अच्छे आप ऑडियंस है, उसका उसके बीच जो कुछ तो एक धागा है वो बने रहना चाहिए। तो आप प्यार कर रहे हैं हमें हमारे काम को और हम पूरी तरह से न्याय देते हैं इस काम को आप तक पहुंचाने के लिए, बस यहीं तक बात सीमित रहे और ऐसे ही प्यार बना रहे हैं, हम एंटरटेन करते रहे, आप हमें हमारा काम पसंद करते रहे, चाहते रहे, बस यही कोशिश है। बाय द वे दमन भाई फुल पावर, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और मैं ये वीडियो में जैसे IGTV में डालूंगा मैं दमन भाई के उस नए अकाउंट का जो लिंक है वो डालूंगा, तो प्लीज जाकर उन्हें वहां फॉलो कीजिए। ओके फुल पावर गाइस, लव यू दमन भाई, टेक केयर, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। यह दमन सर ले लूट फुल पावर, मजा आ गया भाई, मतलब क्या सोचा था क्या कुछ हो गया, और गाना अभी तो मेरा दिल कर रहा है मैं पूरा गाना सुनूं यार। तो उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, यहाँ हमेशा मेरा साथ देते हैं आप, यहाँ इंतजार करते हैं हर एक आर्टिस्ट का आप पर, बहुत ही इत्मीनान से, इत्मीनान वाले दिल से पूरा का पूरा एपिसोड देखते हैं, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं कि अगले एपिसोड यानी कि कल सरप्राइज है ना, आर्टिस्ट कौन है मेरे साथ नहीं पता, अरे आएंगे तो कल 7:30 बजे फुल पावर मिलेंगे, ले लूट आउ, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टैलेंट का थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भाई योगेश, थैंक यू, लव यू गाइस, और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि YouTube पर जिन्होंने फॉलो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें और वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, और जल्द ही नए वीडियोस के साथ मैं आऊंगा। तो जो भी आप जो भी वॉइस एक्टिंग की मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शौक है आपको, तो वहां बेहतर मौका है, आपको बताता हूँ कैसे। मैंने जो YouTube पर वीडियोस डाले हैं उसको थोड़ा मैंने पैकेजिंग बदल दिया है कि सारे वीडियोस में स्क्रिप्ट भी है। Yes, भाई लोग यहाँ पर आर्टिस्ट दिखेंगे और यहाँ स्क्रिप्ट है, तो आप स्क्रिप्ट साथ में पढ़ सकते हैं, डायलॉग्स पढ़ सकते हैं, साथ में रिहर्स कर सकते हैं। तो ऑलरेडी संकेत के साथ वाला एपिसोड डाल दिया है, शानूर मिर्जा के साथ वाला एपिसोड डाल दिया है, और भी आगे डालेंगे। ओके तो फुल पावर गाइज, लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू, बाय।